राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के तत्वावधान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में भीषण ठंड के मद्देनजर गर्म ऊनी कपड़े एवं कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि प्राकृतिक दृष्टि से ठंड का प्रकोप बढ़ा है, ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि सारे समाज को साथ लेकर चले। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी हम थोड़ी बहुत जो भी संभव मदद है वो कर सके, इस भाव से राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के संयोजक रोहित कुमार सिंह ने एक संकल्प लिया है और उसी के तहत विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी उनमें गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में लगभग 270 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में इसका वितरण किया गया है। वीरेंद्र प्रताप सिंह झागुर साहनी, सुभाष सिंह। देखिए ऐसा है कि प्राकृतिक दृष्टि से ठंड का प्रकोप बढ़ा है और हम सब का दायित्व है कि सारे समाज को साथ लेकर चलें। जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हैं उनकी हम थोड़ी बहुत जो भी संभव हो मदद करें, इस भाव से राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के संयोजक भाई रोहित कुमार सिंह ने एक संकल्प लिया है। उसी संकल्प का लाभ हमने भी अपने विश्वविद्यालय के लिए लेने का निर्णय लिया। मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और यहाँ आकर के जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जो ठंड में काम करते हैं, आर्थिक दृष्टि से उतने संपन्न नहीं हैं, उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं, उस भाव से कंबल और स्वेटर प्रत्येक व्यक्ति को दें, ये एक आज का कार्यक्रम रखा। लगभग 270 लोग जो हमारे विश्वविद्यालय के समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिसमें संविदा के हैं, जिसमें हमारे गार्ड्स हैं, जिसमें हमारे माली हैं, जिसमें हमारे सफाई कर्मी हैं, सब हमारे जितने सम्माननीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनका किस रूप में हम सहयोग कर सकते हैं, इस भाव से किया। सौजन हाँ, देखिए उनको तो हम धन्यवाद देते ही हैं क्योंकि राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के तत्वावधान में ये सब हो रहा है। उनका हम यहाँ स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनको वो और शक्ति दें ताकि इस देश में जो लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं उनकी सहायता करने में वो और सबल और प्रबल होकर के आगे बढ़ पाएँ।